नमस्कार ऑनलाइन मित्रों, स्वागत है आपका ऑनलाइन मित्र चैनल में। और इस वीडियो में आप जानेंगे हाउ टू क्रिएट पेपल अकाउंट, यानी कैसे पेपल अकाउंट बनाया जाता है और कैसे उसे आप अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हो। पेपल से फॉरेन करेंसी जैसे US डॉलर्स और ब्रिटिश पाउंड में पैसे मंगाना आसान है और सेफ एंड सिक्योर यानी सुरक्षित भी है। जो स्टेप्स मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, वही स्टेप्स यूज करके आप अपने मोबाइल पर पेपल ऐप के साथ भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और मैं ऐसे वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ जिसमें आप जानेंगे कि कैसे आप अपने घर से फॉरेन करेंसी में ऑनलाइन लीगली पैसे कमा सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वो सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में paper.com टाइप करना है इस तरह से। और जैसे आप paper.com टाइप करते हो तो इस तरह का एक वेब पेज खुलेगा, पेपल का होम पेज, जहां पर आपको साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करना है। और जैसे ही साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का पेज दिखेगा जिसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। तो आपको बिजनेस अकाउंट में क्लिक करना है अगर आपको पेमेंट रिसीव भी करना है तो, और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज आएगा जिसमें तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बिजनेस टाइप में वर्क एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर, अगर आप इंडिविजुअली काम करते हो तो आपको इसमें क्लिक करना है। अगर आप कोई सामान या सर्विसेज बेचते हो कस्टमर्स को या एक्सपोर्ट करते हो तो आपको उस हिसाब से अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर वर्क एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर पेमेंट प्लेटफॉर्म में वाया ईमेल एड्रेस इनवॉइसिंग, आप अगर एक इंडिविजुअल बिजनेस अकाउंट बना रहे हो तो आपको वाया एन ईमेल एड्रेस सिलेक्ट करना है। और ये ध्यान में रखिएगा जो ईमेल एड्रेस आप इसमें डालेंगे वही ईमेल होगा आपका पेपल अकाउंट नंबर, यानी कि आपके पैसे आपके ईमेल एड्रेस के थ्रू आएंगे। तो सोच समझ कर अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने का पेमेंट प्रेफरेंस में आप बोथ लोकल INR यानी बोथ लोकल इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस, और आपको एक पासवर्ड बनाना है यहाँ पर अपने पेपल अकाउंट का। और जैसे ही आपने ईमेल एड्रेस डाला और अपना पासवर्ड बनाया, सबमिट पर क्लिक करोगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपका बिजनेस टाइप क्या है। तो बिजनेस टाइप में इंडिविजुअल, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, आपका जो भी है उसे सिलेक्ट करिएगा। मैं तो इंडिविजुअली काम करता हूँ तो मैं इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड्स, तो प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड में मैं प्रोफेशनल सर्विसेज डाल रहा हूँ। तो डेटा एंट्री है, कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, जो भी प्रोफेशनल सर्विस देते हैं तो उसके हिसाब से प्रोफेशनल सर्विस में क्लिक करूँगा। और पर्पस कोड में अदर टेक्निकल सर्विसेज, अदर टेक्निकल में बहुत सारे सर्विसेज को मैं इसमें बेच सकता हूँ। फिर अपना पर्सनल पैन कार्ड डालेंगे और यहाँ पर अपना TC स्टेटमेंट नेम, यानी कि आपका जो पेमेंट स्टेटमेंट आएगा तो उस स्टेटमेंट में कौन सा नाम होना चाहिए वो नाम आपको डालना है। बिजनेस URL यानी कि कोई आपका वेबसाइट एड्रेस है तो आप इसमें डाल सकते हो, अदरवाइज डालने की ज़रूरत नहीं है। सबमिट पर क्लिक करेंगे और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा जिसमें आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम डालना है। मिडल नेम ऑप्शनल है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है और आपके एरिया का पिन कोड, आपके एड्रेस का पिन कोड। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको फिर यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, स्टेट फिल करना है, आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे आएगा, आपका प्राइमरी करेंसी कौन सा है, इंडिया से हो तो आपको इंडियन रुपीज़ यहाँ पर डालना है और इस बॉक्स पर टिक करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये कुछ स्टेप्स बताएगा, बिजनेस स्टेप्स, जिसे आपको अभी कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट लेट अस कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, यानी अब क्या होगा कि आपने जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया था उस ईमेल एड्रेस पे पेपल का एक ईमेल आएगा वेरिफिकेशन के लिए कि वो ईमेल एड्रेस आपका ही है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा और आप गो टू योर जीमेल, आप जीमेल में जाएंगे तो देखिए पेपल से ये ईमेल आया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, ईमेल को ओपन करेंगे और गेट स्टार्टेड नाउ इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वही पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है। फिर कन्फर्म ईमेल एड्रेस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म ईमेल एड्रेस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक मार्क आ चुका है, यानी कि आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म हो गया है। अब आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है। देखिए IFSC कोड आपके चेकबुक में रहेगा, आपके पासबुक में मिलेगा और आपके स्टेटमेंट में भी लिखा होता है, तो उसमें से IFSC कोड देख करके इसमें टाइप कर दीजिए और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अकाउंट नेम, जो भी आपने नाम डाला है वो नाम यहाँ पर आ जाएगा, शो हो जाएगा। और फिर आपको
लिंक योर बैंक में क्लिक करना है। जैसे आप लिंक योर बैंक में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक कंफर्म करने के लिए एक मैसेज आएगा। अगर आप रिक्वेस्ट डिपॉजिट करोगे, इस बटन पे क्लिक करोगे, तो पेपल आपके अकाउंट में दो डिपॉजिट डालेगा। बहुत कम पैसे वाले होगा, 1-1.5 रुपए के ऐसे दो डिपॉजिट वो आपके अकाउंट में डालेगा ताकि वो आप उसको वेरीफाई कर सको। रिक्वेस्ट डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद अब क्या हुआ, पेपल अकाउंट अब आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने वाला है। ठीक है, तो बैंक वेरीफाई करने तक अपने इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने का प्रोसेस यहाँ पर शुरू करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आएगा जिसमें बताएंगे वेरीफाई करिए अपना इन्फॉर्मेशन और अग्री एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और बैंक का कोई प्रूफ आपको इसमें डालना है। एड बैंक हम कर चुके हैं, पर्पस कोड भी हमने डाल दिया है, अदर प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज के हिसाब से हमने पर्पस कोड वगैरह डाल चुके हैं, तो इसमें दोनों में ग्रीन टिक मार्क आ चुका है। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हमको करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप में क्लिक करके आप पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। पैन कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपने अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जहाँ पर भी आपने अपने पैन कार्ड का फोटो खींच के रखा है या स्कैन करके रखा हुआ है, उस फाइल को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और ओपन में क्लिक करोगे। ऐसा करने से, ओपन में क्लिक करके सबमिट करने से आपका पैन सबमिट हो जाएगा। अब आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वो पूछेगा, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपके पास क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी आपके पास रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने का सेम प्रोसेस है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने का फिर आपका वो विंडो ओपन होगा, फिर आपको अपना फाइल सिलेक्ट करना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आधार कार्ड आ जाएगा, इस बॉक्स में आपका आधार कार्ड आ जाएगा। जैसे सबमिट करोगे तो आपका आधार कार्ड भी अपलोड हो गया। अब प्रूफ ऑफ बैंक में आप या तो कैंसिल चेक दे सकते हो, बैंक लेटर दे सकते हो, पासबुक की कॉपी दे सकते हो, या अपने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हो। फिर वही सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे क्लिक करिए, फिर वो विंडो ओपन होगा, वहाँ से आप वो अपना फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपने स्कैन करके या फोटो खींच के रखा हुआ है उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, ये आपका अकाउंट अब ओपन हो चुका है, बहुत ही आसान तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये मनी वाले मेन्यू में क्लिक करना है। जैसे मनी वाले मेन्यू में क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि बैंक का कंफर्मेशन पेंडिंग है, ये अभी अकाउंट ओपन हुआ है तो 0-0 दिखा रहा है सब कुछ। तो जैसे आप ये कंफर्मेशन पेंडिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पेपल ने दो छोटे छोटे डिपॉजिट्स भेजे हैं। अगर ये पेज नहीं खुलता है तो आप इसे बंद करके अगले दिन या कुछ समय बाद आप फिर से अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हो। और लॉगिन करने के बाद आप फिर से इस पेज पे आइए, मनी पे क्लिक करिए और फिर कंफर्मेशन पेंडिंग पे क्लिक करिए। अकाउंट तो आपका बन चुका है, आप जब चाहे इसे कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कंफर्म बैंक पर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म बैंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डिपॉजिट अमाउंट कौन कौन से थे जो हमने भेजे हैं। उन्होंने 1.5 रुपए के अंदर का 2 डिपॉजिट भेजा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट में चेक करना है। या तो आप ATM से एक मिनी स्टेटमेंट निकाल कर चेक करिए। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है तो इंटरनेट बैंकिंग को ओपन करके आप चेक कर लीजिए कि कौन से अमाउंट पेपल ने भेजा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी अपना इंटरनेट बैंकिंग ओपन करता हूँ। देखिए मेरा इंटरनेट बैंकिंग है फेडरल बैंक का, इसमें दिखा रहा है ये 2 अमाउंट पेपल ने भेजा हुआ है NEFT करके अपने सिटी बैंक से। पहला अमाउंट जो पेपल ने भेजा है वो है 1.11 रुपए, और दूसरा अमाउंट जो भेजा है वो है 1.19 रुपए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा, पहला अमाउंट है मेरा 1.11 रुपए और दूसरा अमाउंट है मेरा 1.19 रुपए। अब मैं क्या करूँगा, कंफर्म पे क्लिक करूँगा। जैसे कंफर्म में क्लिक करेंगे आप देखेंगे उन्होंने वेरीफाई कर लिया, हाँ ठीक है, बराबर है, उतने ही पैसे भेजे थे। अब डन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे तो फिर से होम पेज पर चले जाओगे। अब आपको क्या करना है, मनी पर क्लिक करना है। जैसे मनी पर क्लिक करोगे तो देखिए इसमें अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं दिखा रहा है, यानी आपका बैंक भी वेरीफाई हो चुका है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप इंडिया के बाहर से अगर आपने पेपल अकाउंट खोला है तो आप इंडियन बैंक को इसमें ऐड नहीं कर सकते। और दूसरी बात, पेपल अकाउंट में आप पैसे रख नहीं सकते, यानी कि पेपल अकाउंट में जो भी पैसा आएगा वो तुरंत ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र, यस ही रहेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जो भी अमाउंट आपके पेपल अकाउंट में आएगा वो डेली बेसिस पर पेपल क्या करेगा, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। आप अपने पेपल अकाउंट में पैसे होल्ड नहीं कर सकते।
और अगर आपको मैन्युअली करना है तो आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आप फॉर्म में क्लिक करके आप अपने पेपल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और बैक जाएंगे और यहाँ पे टू में क्लिक करके आपको कहाँ पर इसे ट्रांसफ़र करना है, फिर आप अपना फेडरल बैंक सिलेक्ट करोगे और उसमें अमाउंट डालना होगा कि आपको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। वैसे भी सारे अमाउंट ट्रांसफ़र होने वाले हैं, फिर भी आपको अगर कोई अलग अमाउंट तुरंत ट्रांसफ़र करना है तो आप उसमें अमाउंट डालोगे और उसे कन्फर्म करोगे, और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं अपना अकाउंट नंबर आपको भेज दूंगा। तो ये था दोस्तों हाउ टू क्रिएट पेपल अकाउंट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।